हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड हब आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे की भुजिया बनाने की आसान विधि। तो चलिए गाइस, इसको हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अब हम पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। यहाँ मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल को लेंगे और उसको हम अच्छे से पहले हीट करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाए तब हम इसमें प्याज, हरे मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 हरे मिर्च और 3 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को कुक करेंगे। यहाँ मैं अंडे की भुज 3 अंडे का बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। गाइस, रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रही है। आई होप आपने हमारी रमज़ान स्पेशल की सारी सीरीज़ की सारी वीडियो देखी होगी। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है तब तक हम अंडे को फेंट लेते हैं। यहाँ मैंने 3 अंडा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा भुजिया हमारा तैयार होगा। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है गाइस, अब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ जो हम टमाटर काट के रखे थे हम वो ऐड करेंगे और इसमें हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हम नमक इसमें ऐड कर चुके हैं अंडे में, इसलिए हम यहाँ पे नमक कम ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा टमाटर गल ना जाए। टमाटर को सॉफ्ट होने तक का हम इसको कुक करेंगे और अच्छे से इसको हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, टमाटर जब हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब ही हम इसमें अंडे को ऐड करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें सुहूर की, रमज़ान की, चिकन की बहुत सारी रेसिपी हैं, तो आप वहाँ से ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, अब हम इसमें अंडे को ऐड करेंगे। और हाँ गाइस, जब हम अंडे को ऐड करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, जिससे अंडे की भुजिया हमारी अच्छे से दानेदार पक जाए। अगर हम इसको रुक देंगे तो ये नीचे से पकड़ने लगेगा, तो इस जब हम भी अंडा ऐड करेंगे तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको गाइस हम 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे जैसे गाइस ये पकता जाएगा, हल्का हल्का ये ऑयल रिलीज करता जाएगा। जब अच्छे से ऑयल रिलीज हो जाए तब आप समझिएगा कि हमारे अंडे की भुज जो हम बना रहे थे वो रेडी हो गई है। पर हम जब अंडा ऐड करेंगे तो हम फ्लेम हाई ही रखेंगे, हम उस टाइम फ्लेम लो नहीं रखेंगे। होप गाइस, आपको ये हमारे अंडे की भुजिया की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ गाइस, इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, जिसके साथ अगर आपको शेयर करना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से यहाँ मैंने आपको अंडे की भुज की रेसिपी बताई है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ हमारा अंडे की भुजिया बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें धनिया पत्ती से गार्निश करें और इसको हम सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाय बाय।